अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोगों के सामने हाजिर है। और अभी हम जुड़े हैं जी 4K गैराज के ऊपर। टाइम के ऊपर आए तो भाई सब रात के बज रहे हैं 11 हैं। और जी आज दिन है जी सैटरडे का, समय तो आप लोग गए होंगे कि आज हम जा रहे हैं एक बार फिर सैटरडे नाइट ट्रैक के ऊपर मॉल शॉल चेक करने हैं। वहाँ का आज हम जाएंगे जी अपने फ्रेंड शेरी किंग के भाई साहब 2ZZ के ऊपर। जैसा आपको पता जी शेरी किंग का जो 2ZZ था वो जी काफ़ी टाइम चाँद पर अपना वक्त गुजारता रहा है। ये जी चाँद भी आज गायब हो गया, लेकिन जी अब वो चाँद से वापस आ चुका है और जी आज सही हालत में बाहर खड़ा हुआ है। आपको जी मैं शेयर किंग की 2ZZ का गिरा कराता हूँ, तो ये देखें और ये नहीं ये देखें तो आप चेक करते हैं भाई साहब, शेयर किंग की 2ZZ इज अलाइव। और आज हम शेयर किंग की 2ZZ पर भाई साहब अपने मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। और जी काफ़ी देर हो गया आपको जी इसके वैशी मंडे वगैरह नहीं दिखाया, तो इंशाल्लाह जी आज हम रिंग रोड पर जिसके फुल टाइम यहाँ पे वैशी मंडे मारेंगे। गाड़ी को जी भूगे चेक करेंगे, देखते हैं भाई साहब परफॉर्मेंस की चास आ रही है कि नहीं। उसके अलावा जी शेयर किंग का एक हो चुका है बिग नुकसान, नुकसान क्या है तो वो आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जी आपको मैं ये दिखाऊं कि जो हमारा मदनी यार था उसके रिम्स हमने फिलहाल फिट किए हुए हैं जी शेरी किंग की 2ZZ पे, क्योंकि जो शेरी किंग लेके आया था ना हमने 16 इंच वाले रिम, उनके साथ ही थोड़ी हैंकी पैंकी हो गई है। ये रिम्स कौन से हैं तो ये हैं जी 8JJ के अंदर TE37 फॉर यू, और इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो है जी 165/50/15 और जी लुकिंग वेरी नाइस। लेकिन जी गाड़ी अभी फिलहाल इसने फिर से खोता की हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं फुल टाइम जी खोता लाइफ स्टाइल नो लोन लाइफ स्टाइल। अब जी शेरी के साथ हैंड क्या होया है तो ये अपने रिम्स लेके आया था हसन रोले से, और जैसा आपको पता जी हसन रोला डालता है हर चीज़ के अंदर, तो जो इसके टायर्स थे वो काफ़ी पुरानी डेट के थे, एक था 2011 का और जो दूसरे वाले थे मेरे ख्याल में 2013 या 2014 के थे। तो पुराने टायर आपको पता फिर हार्ड हो, इतने पड़े पड़े तो फिर जब उनको स्ट्रेच करते ना तो उनके अंदर ना वो लचक नहीं रहती, तो जब भी आप उनको स्ट्रेच करते हैं 2-3 घंटे बाद वो बार बार उतर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं भाई साहब एक नहीं दो नहीं चारों के चारों टायर जी इसके उतर गए हैं, और अब इनको स्ट्रेच हम दोबारा करेंगे हो जाते हैं, लेकिन जी आधे घंटे बाद फिर से ये वाले हालात हो जाते हैं उसके, तो ये शेयर किंग को अब करने पड़ेंगे यहाँ पे जी फ्रेश खर्चे। अब ये जो हमारे प्रोजेक्ट जनाजे की प्रोफाइल है ये है 165/55/15, यही सेम प्रोफाइल हम 16 इंच के अंदर लेके आएंगे 165/55/16, ताकि डेली यूज़ के लिए भी इस्तेमाल हो, भगाने भुगोने के लिए भी इस्तेमाल हो जाए और जी टायर हमारे सोने सोने भी लगे। उसके लिए आप चेक करते हैं शेयर किंग जी यहाँ पे अपने दुख का मुजाहरा कर रहा है, किसके साथ भाई साहब हैंड हो गया इधर देखें कैमरे में देखें लाइट बहुत तेज है ये देखें जी। उसके लिए आप चेक करते हैं शेयर किंग के गुडे जवाजें आ रही हैं आपको गौन खत्म मुक गए हैं, तकरीबन कोई 2 घंटे होने वाले हैं और जी लाइट का यहाँ पे कोई इतना पता नहीं है। आपको वैसे ही पता है जी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाइट ऐसे जाती है जिससे सो आपका काम हो। और अभी 4K गैराज फुल टाइम यहाँ पे बैटमैन का खुद बना हुआ है, इंग्लिश स्टाइल में आपको बताऊँ तो जी बैट केव बना हुआ है, क्योंकि जी यहाँ पे लाइट का नामो निशान नहीं है, फर्क बस इतना है कि बैट केव में चमगादड़ें होती हैं, लेकिन जी 4K गैराज में फिलहाल जी मच्छर आ रहे हैं और मच्छर आके जी मुझे काटी जा रहे हैं। मच्छरों को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर से कोई ना 40 लीटर खून निकलना है, लेकिन जी उनके साथ स्कैम हो गया है, लेकिन जी थोड़ा बहुत मेरे अंदर खून है ना उसकी फिलहाल जी मच्छर स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं। और जी बाहर सुबह का टाइम हुई बारिश, बारिश के बाद आपको पता जी हफ्स बहुत ज़्यादा होता है उसके साथ गर्मी, और जी ऊपर से मुझे मच्छर बांट रहे हैं, तो जी यहाँ पे अभी जिंदगी हमारी फुल टाइम जी अजाब लाइफ स्टाइल हुई है। तो जी थोड़ी वक्त की खुशी के लिए हम जी वाह साहब किसी भी कैस के अंदर एंट्री मारेंगे, अंदर जाके जी आराम से AC के अंदर चिल करते हैं, ठंड पड़ेगी सोने। आखिरकार भाई साहब 4K गैराज के अंदर जी उजाला हो चुका है, लाइट सेट आ गया और साथ में मारिए 2ZZ भी वापस आ गई है नई नई कार के, इसको जी हमने जाके फ्रेश टाकी शाकी मरवाई है पंप के ऊपर से जाके, और अब गाड़ी जी पूरी की पूरी लश पर चमक रही है, आप चेक करते हैं फुल टाइम जी लश्कारे फॉर यू। और इसके जो टायर्स है उनके ऊपर जी हमारा फ्रेश स्प्रे फॉर यू, पीछे भी ते अगे भी उस साइड पर भी ते इस साइड पर भी, और ये कौन सा स्प्रे मारा है तो ये हमारे पास जी एक तक एक्सपायर स्प्रे पड़ा हुआ था, इससे हमने टायर स्ट्रेच करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था, क्योंकि ये जो स्प्रे है ये जी एक्सपायर है। ये आप चेक करते हैं मैनुफैक्चरिंग डेट आपको नजर आ रही है 19 है, और जी एक्सपायरी डेट आपको नजर आ रही है 09/2022 फ्रेश एक्सपायर स्प्रे फॉर यू। ये जी जो बच बुच गया था सारे के सामने टायरों पे, कहा हमने कहा चलो टायर तो स्ट्रेच हो नहीं चलो कम से कम चमक ही जाए इससे। उसके अलावा आप चेक करते हैं गाड़ी बाहर से पूरी लश पश है, इंजन बे था ना उसको जी फ्रेश टाकी नहीं मरवाई उन्होंने, इंजन बे की हालत देख के आपको ऐसा लगता है जैसे जी किसी पेंटिंग के अंदर ऑफ रोडिंग करते रहे हैं। ये देखें जी फ्रेश मट्टी मट्टी फॉर यू, सारा सतरंगी रंग जी ने खराब कर दी मट्टी के नीचे से पा के, ये इसके ऊपर ना फ्रेश टाकी मारी होती तो मैं कहता जी इंजन बे पूरा जी छम छम कर रहा होता था। अब इसके इंजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले जी इसके अंदर सलीका का इंटेक मैनिफोल्ड है, ये जी गोल्डन रंग का जी ऊपर टक्कर भी लगा हुआ है, TRD टक्कर, ये चेक करें जी TRD टक्कर लगा हुआ है इसके ऊपर। साहब में जी आपको यहाँ पे मशरूम फिल्टर मिलता है, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो जी 6-speed फॉरवर्ड ट्रांसमिशन है विद LHD गियर, LHD बोले तो जी लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, आपके जो अगले टायर होते हैं वो जी सेम स्पीड पर घूमते हैं, और इससे होता क्या है कि आपकी जो गाड़ी होती है उसका जो लॉन्च होता है वो जी बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, आपकी गाड़ी लॉन्च पे ऐसे गायब होती है जैसे जी नेहरी में छापर गायब होते हैं, बिल्कुल स्कैम कार की तरह। एक अननोन गाड़ी में मौजूद है, गाड़ी कौन सी ये भी मैंने आपको नहीं बताना, और इसके अंदर इंजन कौन सा है मैंने आपको वो भी नहीं बताना,
पायलट हमारे फिलहाल बैठे हुए शहर किंग और ये भाई साहब गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अभी भाई साहब हम टेस्ट रन लेने जा रहे हैं गाड़ी, चेक करते भाई साहब तगड़ी तुगड़ी है कि नहीं। आप जी कमेंट सेक्शन में तुके मारे कि गाड़ी कौन सी है और इसमें इंजन कौन सा है। ठीक है जी, चलो जी शहर किंग जान करिए चेक जी दंगा मैं बिस्मिल्ला करने लगे हैं। 10 रुपए की छत लगी शहर किंग से मिड शिफ्ट हो जाना है। जानबूझ के सफर करके तीसरा गेयर लगा के 20 रुपए देने ना पार्टी है इसको। चल गया तेरी वैरायटी चल गई मुझे पता है, नॉटी पर्सन। एक बार फिर जुकाम बुखार और सामने जी खांसी, लेकिन जी हमारा शिखर लाइफ स्टाइल वेरी गुड पर्सन है। ये देखिए जी हमारे लिए क्या गिफ्ट लेके आया, फ्रेश जोर्ज शानदार ये जी बड़ा बड़ा थैंक यू जी शिखर लाइफ स्टाइल को। ये हम घर जाके पियेंगे, हमारे जो गलारा है उसमें जितनी भी खराशी है सारों के ऊपर जी प्रोटीन शुटीन लाग जाएंगे और जी फिर हम नुसरत फतेह अली खान के रहा जी सुर लगाएंगे बड़े बड़े। फिर कोई घंटे बाद रिहान शाह यहाँ पे पहुंच चुके हैं जी अपनी क्रसेडा के साथ। इसी को घंटा पहले फोन किया था अभी कहाँ कर रहा खाना खा रहा हूँ ये जी, पता नहीं ऊँट खाने बैठ गया था, घंटे बाद जाके आया। अब हम कौन सी गाड़ी में भाई साहब मंडे मारते हैं तो गाड़ी आपको मैं दिखाता हूँ। गाड़ी है जी फ्रेश हुंडई एक्सेल फॉर यू। अब जी ये चीज़ मैंने आपको बता दी गाड़ी कौन सी है, इंजन कौन सा है वो जी आप खुद तुके मारते रहे। रेहान शाह जी अपनी क्रेटा के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फ्रेश RP01 रिम्स फॉर यू, इंजन कौन सा है तो वो है जी 1JZ GTE। अच्छा जी ये उन्होंने कह दी जी 1 & 1 पूरे पाकिस्तान में जी सिर्फ एक रिमो का सेट है RP01 5 मिनटों के साथ। अगर पूरे पाकिस्तान में किसी और अशरफ मखलूकात के पास जी ये रिम्स मौजूद है 17 इंच के अंदर RP01 5 मिनट के साथ तो उसको जी रेहान शाह क्या करेगा, तहरीर करेगा जी। बड़ी मुश्किल से हमने उर्दू सीखी है इससे ज़्यादा हमें नहीं आ रही। अब जी तीनों की तीनों गाड़ियाँ लेके हम रिंग रोड चढ़ने लगे हैं। रिंग रोड पे जी थोड़े बहुत वैशी मांडे मारते मुड़ते जाते हैं, थोड़ा जी फन फोन करते रहते हैं, बाकी का जो मज़े मज़े होंगे वो जी हम ट्रैक पे जाके पूरे कर लेंगे। से वापस आ रहे थे और जी वापस आते साथ इसका जो इंजन था वो जी चांद पे पहुंच गया था। चांद आज पता नहीं किधर गया है, मुझे मिल नहीं रहा था आपका, लेकिन जो भी है ना चांद मिल रहा है ना शहर किंग का 2-0 चांद पे मिल रहा है क्योंकि जी फ्रेश नवा इंजन फॉर यू। और जी हमारी शहर किंग के लिए फिलहाल अभी यही दुआ है कि अल्लाह इसके इंजन को जी सही सलामत रखे। वो लग बात है इसने मुझे बीमार कर दिया, दिल तो मेरा नहीं कर रहा इसको दुआएं देने को, लेकिन जी फिर भी इसके इंजन के लिए बड़ी दुआ फॉर यू। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखें जी कि अल्लाह शहर किंग के 2-0 को जी लंबी जिंदगी ता फरमा, आमीन। वक्त आ चुका है शहर किंग के 2-0 की जी टेस्टिंग मास्टिंग करने के, दूजी गियर से जी हम रोल से चुकेंगे। जब मेरा पुत्र दूजा गियर लाओ, स्लो एंड स्टेडी मींस दी रेस। चलो जी जान दियो जी, चोड़े पर जाना तू वेरनेस भाई साहब इंजन जान भी अपना पूरा, लेकिन जी स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत काम होने वाला है। अभी प्रोजेक्ट जनाजे की जी कह रही कनिया खा रही थी, प्रोजेक्ट जनाजा नहीं पहले कनिया खाता था, पहले गेयर में इतने दूजी में इतने चौथे चे एवं पॉइंट ऑय अब ताड़ी कह रहा है वेरनेस। Yeah.
हमारी ये नन्ही सी जान वहाँ पे मौजूद थी और इसने वहाँ पे होते हुए सारे के सारे दर्दनाक मनाजिर अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। तो हम अभी इनकी कहानी इनकी जुबानें सुनेंगे। बताओ अंसारी साहब, वहाँ पे कौन से जाली काम होते रहे हैं? नाजरीन, स्टोरी कुछ ऐसी है कि काशिर किंग पहले जो है ट्रैक पे आया, उसके बाद वो पटाखे पटूखे अपनी गाड़ी के चला के चला गया। उसके बाद वैगनार वाला जो था वो रिवर्स में गाड़ी चला रहा था, वो गालियां गुलियां भी दे रहा था, सबको बुला रहा था, कहता है किसी से किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती, रेस लगा लो ये। तो वो तो ये आज हुआ सारा कुछ ट्रैक पे। ये तो आपने कहानी का पहला पार्ट सुन लिया है, दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं। तो जी मासा, जहाँ पे हमारे फ्रेंड शिबीएस मौजूद है, उस्ताद जी बताओ क्या हुआ है वहाँ पे? दरअसल वैगनार वाले वहाँ पे रिवर्स गाड़ी चला रहे थे रोड पे, और ना हमारी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो सर्विस लेन के बाहर रोड पे खड़ी थी। तो ना फजी जो है वो गाड़ी लेके आ रहा था वापस अपनी सर्विस लेन में करने के लिए कि कहीं ये हमारे अंदर फिक्स ना हो जाए। इतनी देर में ना वैगनार वाला वहीं पे खड़ा था, जैसे ही फजी ने गाड़ी निकाली वैगनार वाले ने उसके आगे गाड़ी लगा ली, कहता मेरे साथ रेस करो। फिर आगे उसने उसको पता नहीं क्या बोला, वो फजी से आप खुद पूछे फजी की जुबान में। मुझे डर लग गया भाई, लगाया हुआ था कृपेचो से मेरा बम्पर ना खुल जाए भाई, मैं तो उसको हाथ निकाला, मैं भाई जान सॉरी गलती हो गई, मैं अपनी गाड़ी साइड पे लगा रहा हूँ, ठीक है आप अपने घर जाए मैं अपने घर जा रहा हूँ, हमने तो भाई अपने आप को ऐसे साइड पे करके बचा लिया। फुल टाइम फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल काम होने लगा है, जैसे भाई साहब इशारा खुलना है शहरी किंग ने जी फुल टाइम यहाँ पे वैसे हो जाना है। इंतजार के लम्हा शुरू हो चुके हैं, पुट्ठी गिनती शुरू करते हैं। ये देखें जी, वेरी तगड़ा जी, वेरी तगड़ा। पहले गियर में लिफ्ट नहीं चली। ले जी, एक अंदर छोटा जी मसला भी आ गया नाल। नहीं, दूसरे पे चल पड़ी थी। दूसरे पे चल गई थी, कोई नहीं जी। बड़े बड़े शहरों में जी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी डोंट टेक टेंशन, पी लो तुसी दिल भर के जी पेंशन। बताओ अंसारी साहब, टचअप दो, टचअप दो इसको, होशला होशला होशला, ब्राइट करें से, ब्राइट करें, ब्राइट करें। तो आज जी बताओ क्या हुआ है वहाँ पे? दरअसल रोड पे काफी गाड़ियां खड़ी थी, तो जाहिरी बात है रोड पे खड़ी होती है, छाता पे खड़ी होती है। वहाँ पे काफी गाड़ियां आई हुई थी, जिसकी वजह से ना वैगनआर वाले रिवर्स गाड़ी चलाने में जरा दिक्कत महसूस कर रहे थे। अब वो मेरे ऊपर चढ़ाई जाए, मैं उसके ऊपर चढ़ाई जाऊं, ठीक है? मुझे डर लग गाड़ी। अच्छा, और ये अब हम घरों घर ही होने लगे यहाँ से। बाबा यार शुगल वुगल आ गया यहाँ पे, ठहरी किंग की टू जी के भाई साहब वैसी के संग मंडे छाने भी मार लिए। और इसके साथ ही भाई साहब हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।